इंडियन नेवी दल का प्रयास लाया रंग, विमान को निकाला गया बाहर। आपको बताते चले कि चांडिल डैम में डूबे ट्रेन विमान को इंडियन नेवी के दल ने निकाल लिया है। सोमवार रात को यह ऑपरेशन सफल हुआ, जिसके बाद जवानों के साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। इस मौके पर वहां भीड़ जहाज को देखने के लिए जुट गई थी, लोग फोटो खींच रहे थे। नौसेना ने सोमवार शाम को विमान को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम किया गया। बैलून को विमान के लोकेशन पर डाला गया, उसमें हवा भरी गई। इसके बाद रस्सी की मदद से विमान को बाहर निकाला गया। विमान को सतह पर लाने के बाद उसे क्रेन की मदद से निकाला गया। विमान चांडिल डैम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मिला। सुनारी यंत्र की मदद से विमान के मलबे को ढूंढ निकालने में मदद मिली। विमान पानी से 15 मीटर गहराई पर है। सुनारी से जो डाटा मिला है उसके हिसाब से विमान पानी में उल्टा था। विमान के टायर ऊपर की तरफ था। सेना के अधिकारी ने बताया कि विमान में एक बड़ा सा बैलून बांधकर उसमें हवा भरी गई, जिससे विमान पानी की सतह पर आ गया। नौसेना की टीम के पास 300 किलोग्राम भार वाले वस्तु को डैम से बाहर निकालने की क्षमता वाले उपकरण थे, जिसकी मदद ली गई। बता दें कि सोनारी स्थित जमशेदपुर एयरपोर्ट से गत मंगलवार दोपहर अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनी विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद लापता हो गया था। विमान में कैप्टन जीत शत्रु और ट्रेनी पायलट शुभ्रदीप मौजूद थे। एविएशन कंपनी को पटमदा विमान के इमरजेंसी लैंडिंग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोड़ाम थाना क्षेत्र के भुइया सिनान स्थित बाटुलुका गांव के पास सर्च अभियान भी चलाया गया था। हालांकि देर शाम चांडिल के पियालडी गांव में के एक ग्रामीण ने विमान के चांडिल डैम में डूबने की सूचना दी थी, जिसके बाद चांडिल डैम में विमान की तलाश शुरू की गई थी।